और नए ब्लॉग में स्वागत है। हमने कल अंकित भैया के घर पे गए थे, मगर अंकित भैया है नहीं थे, तो शूटिंग पे गए थे और आज हम आए हैं हेलीकॉप्टर पे। जहाज के नीचे बेस्ट बंदा ग्रह है। अच्छा वाह, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है भैया, वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो ये है प्लेन एयर इंडिया वाला। हाँ ये मैं सो रहा था, इसके बनाएंगे अभी एयर इंडिया वाला है वाला। और यहाँ पे बेस्ट बांधी हुई है। देखो ये जैसे बांधी हुई है भाई, मिट्टी में से कील निकलती है, सब बांधने से हमारे गाय को मान रखा है। यहाँ पे तीन और दो और हवाई जहाज है। अच्छा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। गाइस आप रोज आसमान में देखते होंगे कि कितने सारे एरोप्लेन, आपको पता लगता होगा कितना बड़ा है कितना छोटा है, और आप देख सकते हो कितना बड़ा है। अब देखो आप कितना अच्छा है, और हेलीकॉप्टर भी, ये है हेलीकॉप्टर। पेवा में भाई बहुत सारे हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर के पीछे जाले लगा के मंकी पकड़ते हैं ना। हाँ, पेवा में हाँ। वहाँ पे मेरी नानी रहती है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। देखो इस जहाज के कितने बड़े टायर है, जब ये ना नीचे लैंड होता है ना, इसके टायर ये नीचे आ जाते हैं। वही इसके टायर से तो भाई बाय बाय सी यू। गाइस देखो यहाँ से ना हवाई जहाज के अंदर तेल डलता है, यहाँ पे पाइप लगती है और फिर तेल डाला जाता है। जब तेल फुल हो जाए तो बहुत सारा डालना पड़ता है, इसमें कितना बड़ा तो है ये। देखो भाई कितने सारे पाइप है इसके अंदर, बहुत यूनिक चीज है ये। बहन भी सोच रही है कितने सारे पाइप कैसे हो जाते हैं इसमें ना गाइस, है ना भैया। हाँ देखो भैया भी हाँ कह रहा है। गाइस आप भी कमेंट में बताओ ये सोच रही है कि नहीं सोच रही, जल्दी कमेंट में बताओ। देखो गाइस जहाज के विंग्स अंदर से ऐसे होते हैं, और इनमें चिप्स भी होते हैं, और यहाँ पे कुरकुरे भी रखे हुए हैं। वाह ये तो बहुत अच्छी तगड़ा एरोप्लेन है, अभी इनको ठीक करेंगे। और सब हम दूसरी लोकेशन पे चल रहे हैं, आपको हवाई जहाज दिखा के हमने दिखा दिया, अब बताएंगे आगे जाके कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं, पता नहीं अभी देखते हैं कौन सी लोकेशन पे जाएंगे। फिर आप कमेंट में बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी क्या, नहीं लगी, नहीं लगी भी फिर भी लाइक करना, और लगेगी तो सब्सक्राइब करना। भैया गाय तो वैसी होती है, इनकी तो गर्दन छोटी होती है, तो इनकी गर्दन कैसे बड़ी होती है, कौन है ये नील गाय है, इनकी गर्दन इतनी बड़ी होती है। अच्छा तो जो दूसरी गाय होती है उनकी कैसे होती है, उनकी छोटी गर्दन होती है। अच्छा तो ये ठीक क्या कहते हैं, यहाँ पे वो वाली जो गायें होती है जिनकी गर्दन छोटी होती है वो तो कूद नहीं पाती, वो वो उसकी तरह इनकी तरह कूदती है कि दूसरी कूद नहीं पाती है, वो कूद जाती है पर इनकी तरह नहीं कूदती दूसरे। अच्छा मैं तभी सोच रही हिरन के लग रही है, ये हिरन की तरह छलांग मारता है ना। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, और यहाँ पे अंकित भैया भी आते हैं, यहाँ पे रनिंग करते हैं, वो गिरते हैं पत्ता जैसे यहाँ पे भाला फेंकते हैं, और भी एक्टिविटी होती है यहाँ पे, यहाँ पे रस्सी टपते हैं, ऐसे रस्सी करते हैं, और एक्सरसाइज ऐसे वाले सुपर करते हैं। अब आने की बारी, हट जा। वानी हट जा, तू वानी तो हट जा।
मतलब इसमें लूं जंप करते रहे। इसको तो करनी थी यार इसको। ये एकदम वैसी चप्पल भी नहीं पे यार, चप्पल को इस वाले रेस ट्रैक पे, रेड वाले पे, इस वाले पे भैया रेस करते हैं, और वहाँ पे भी वो आपको दिख रहा है, वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे लाइट दिख रही है आपको, वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके और एक्सरसाइज करके वो चले जाते हैं शूटिंग के लिए। कभी कभार वो ऑफिस भी जाते हैं, आप देख सकते हो। हम आपको क्या कहते करके दिखाए कितने घंटे से हम करते हैं, वो जब तक शाम हो सकती, संडे को दिन कभी करते हैं। चलो पापा वहाँ पे खड़े हो जाओ, हम फाड़ के पीछे जाओ तुम। यहाँ पे क्या कहते हैं, इस वाले गार्डन में भैया आते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। गाइस इसी स्टेडियम में भैया अंकित भैया यहाँ पे खेलने आते हैं कल। हाय हाय गाइस, क्या कहते हैं, हम वहाँ पे आए हैं रेस ट्रैक की जगह पे, रेस ट्रैक भी होती है यहाँ पे शाम सुबह, रेस भी होती है यहाँ पे, फुटबॉल भी खेलते हैं, स्केटिंग भी करते हैं, जैसे किसी को स्केटिंग करनी। गाइस यहाँ पे ना हॉकी का मैच चलता है रोज सुबह और शाम। स्टार्ट भैया, ये दोनों क्या है? ये तो पराल है। हाँ? जैसे हम गेहूं जब गेहूं को काटते हैं ना। हाँ? गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा को काट के और ये नीचे का बच जाता है। हाँ? और फिर ना इसको बारीक बारीक काट काट के। हाँ? मशीन के द्वारा, और फिर ना इससे ना जो गाय मैंस खाती है ना चारा। हाँ? वो बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं तूड़ा। तूड़ा जैसे ये रहा तूड़ा। अच्छा ये तूड़ा, ये गाय और मैंस खाती है। अच्छा इसको चकली से वो बना देते हैं। एक बार हाथ मार के देखे, देखो इस पे बहुत सारी वैसी चीजें है। देखो ये टैटर है, पैटर है, ये चलो पत्ते भी है बहुत सारा। अब बोल, ये हमारा गांव है, यहाँ पे ना बहुत मजे आते हैं। हैं? हाँ। यहाँ पे पार्क भी है और गौशाला भी है, मंदिर भी है, बिल्डिंग भी है, बहुत सारे घर भी है। अच्छा आपके गांव में तो बहुत मजा आएगा फिर। ठीक है चलो अपने गाँव की तरफ चलते हैं। झूलते भी है, पेड़ पे झूला डाल के, मतलब दो पेड़ कर दिए उस पे झूला डाल दिए, फिर बन गया झूला, है ना। अभी ये आ गई है हमारे गांव की गौशाला। ये रही गौशाला। गौशाला में कितनी सारी गाय है, आप दिखाते हैं। गाइस अब हम गौशाला में आ गए और दिखाएंगे। चलो चलो बंद कर कैमरा, ऊपर वाला वो वाला बताओ। गाइस ये हमारे गांव का मंदिर है, शिव प्राचीन मंदिर। चलो इसके अंदर चलते हैं। ले सकते हैं अंदर चप्पल। बोल भी सही। गाइस देखो ये कितनी बड़ी हनुमान की मूर्ति है। यारी कितनी बड़ी हनुमान की मूर्ति। ये है मंदिर और यहाँ पे इनके साइड में जाके चप्पल उतार के घंटी बजाओ। चलो 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 गाइस अंदर चलते हैं। डमरू है और त्रिशूल है और साइड में क्या कहते हैं गाइस, ये घंटा। इसको तो एक मिनट में आपके बीच।
आ जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो बनाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।